अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं बहुत ही लेट अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ टॉपिक ही नहीं था। मैं बहुत ही टाइम से ये बल्कि सुबह से मैं यही सोच रही थी कि क्या अपलोड करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि इसमें फिर वॉइस डब भी करनी होती है, वॉइस ओवर करनी होती है, फिर वो मुझे इतनी उससे मौत पड़ती है, अल्लाह ना करे अस्तग़फ़िरुल्लाह, उससे फिर मुझे इतनी मुश्किल होती है। फिर मैं बार बार सोचती हूँ कि फिर मैं उसमें क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बस मैंने भी सोचा बस ऐसे ही बस व्लॉग के साथ ही बोलते रहेंगे तो व्लॉग हमारा चलता जाएगा। यहाँ पर जी हम कुछ सामान लेकर आए थे मार्केट से, हमारे पास आटा ख़त्म हो गया था, वो जो हम रमज़ान में लेके आए थे। रमज़ान में तो हम सिर्फ सहरी में ही खाना बनाते, वैसे तो रमज़ान इफ्तारी में तो फ्रूट वगैरह सब कुछ बन लेता ना, तो उसके साथ हमें रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कुछ पास्ता टाइप चाट वगैरह ये सब होता तो फिर हमें रोटी बिल्कुल भी नहीं बनाती, क्योंकि जब भी रोटी बनाती ना तो कोई भी नहीं कर। इसी तरह हमारे पास कोई खाने वाला भी इतना नहीं है, मतलब एक खाने वाला होता है यहाँ पर कुछ मेरे हमारे पास मेरे दो देवर रहते हैं, एक मैं मेरे हस्बैंड, तो एक देवर तो फुल डाइट पे है, वो तो अपना डाइट वाला कुछ खाना खाते हैं, और दूसरा है वो तो मतलब हम तीन लोग हैं, फिर बच गए, फिर हम नाश्ते में कर लेते, सुबह नाश्ता करते बस, उसी में अगर कुछ पराठे वगैरह बन जाते ना तो पराठे ही बनाते हैं हम सुबह। पराठे तो मस्ट बनते हैं यहाँ पे हमारे घर में, क्योंकि बस पठान होते हैं ना, पठानों के घर में जब सुबह नाश्ते में पराठे नहीं हो ना तो नाश्ते का मज़ा ही नहीं आता। तो बहुत ही टाइम से मतलब आटा ख़त्म हो गया था, और हस्बैंड भी जब अभी अभी जाते हैं ना तो नाश्ता नहीं करते, पता नहीं ये लोग को क्या हो गया है, जैसे कभी सैंडविच बनाती है कभी क्या बनाता कभी क्या बनाती ना, तो कुछ भी नहीं होता, बस ये बोलते हैं कि बस दिल ही नहीं करता, फिर मैंने भी छोड़ दिया। मैं सोचती हूँ कि बस मैं इनको बस लंच ही दे देती हूँ। लंच ये होता है कि फिर जब काम करते वक्त जब भूख लग जाती है ना तो फिर इंसान खा लेता है। यहाँ पर मैं आटा गूंद रही थी, सॉरी मेरी ऐसी आवाज़ ख़राब है कि बस बिल्कुल गला ही बैठ गया है मेरा, तो मैं आटा गूंद रही थी और यही सोच रही थी कि बस हमारे घर में तो एक टाइम ही खाना बनता है, जब कोई आपके पास खाने वाला नहीं हो तो जब इंसान अकेला रहता है तो उसे भी मज़ा नहीं आता। मैं जब सब चले जाते हैं या तो कभी नाश्ता कर लेती हूँ, जब फिर बहुत भूख लग जाती है फिर कभी कर लेती हूँ कभी नहीं, या कभी ब्रेड के साथ कुछ अंडा वगैरह बना लेती हूँ, तो इसी तरह से मेरा तो हो जाता है। और जब इन लोग की सबकी छुट्टी होती है हस्बैंड की और फिर हम सब नाश्ता करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं उस दिन बहुत ही खुश होती हूँ, और साथ में मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ। मतलब वो क्या होता है कि मतलब एक के जैसा ही खाना खाए ना तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, वो बिल्कुल एक जैसा टेस्ट लगता है। यहाँ पर मैं आटा गूंद रही थी और आपको बताएं मुझे पाकिस्तान का आटा आटा चावल और घी तो खैर यहाँ पर भी मिल जाता है, मुझे आटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी ये है कि हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हैं हम जिंदा है खुश है, और कोई किसी चीज़ की कमी नहीं, अल्लाह पाक का बहुत बहुत जितना भी शुक्र अदा करे ना इंसान अल्लाह पाक की उस वो एक चीज़ की मतलब कीमत अदा नहीं हो सकती, इतना मतलब अल्लाह पाक इंसान को दे रहता है, अगर नहीं भी हो ना तो बस इंसान को बस मतलब अल्लाह पाक से ही मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद रही थी और कभी कभी मैं जब आटे से ही मतलब रोटियां बना लेती हूँ ना तो इसकी रोटी थोड़ी सी सख्त बन जाती है, और तभी मुझे पाकिस्तान के आटे की याद आ जाती है। मैं फिर बोलती हूँ ना कि मैं पाकिस्तान से आटा ही मंगवाऊँगी, कभी बोलती हूँ कि चावल मंगवाऊँगी, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि बस मुझे पाकिस्तानी खुराक की बहुत ही याद आती है, बहुत ही ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही। और प्रेगनेंसी में तो आपको इतनी क्रेविंग रहती है,
आपको पता है मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे जब किसी ने कुछ चीज़ भी डाली होती ना, या कुछ चार्ट वगैरह या कुछ कुछ भी होता, तो बस मैं यही सोचती थी कि मैं पाकिस्तान कब जाऊंगी और ये सब चीज़ें कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर हाँ माशाल्लाह से कोई भी कमी नहीं है। अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र है। मगर फिर भी मैं जब उन चीज़ों को देखती, उन खानों को देखती ना, पाकिस्तानी खानों को, तो मुझे पाकिस्तान की बहुत ही याद आ जाती। तो खैर जी, शुक्र है फिर भी अल्लाह पाक का, बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। हम अपनों के साथ हैं तो यही बस हमें चाहिए। यहाँ पर हम कुछ सामान लेके आए थे, और शायद मैंने आपको बताया भी था कि हम क्या क्या लेके आए थे, दिखाया था मैंने मेरे ख्याल से, मगर पता नहीं ये वीडियो फिर से कैसे मेरे पास आ गई। गला भी मेरा ख़राब है, और यहाँ पर पानी हमारे पास ख़त्म हो गया था भाई। पानी की ऐसी शदीद किल्लत है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि क्या है पूछे। बस ये है कि बस यहाँ पर आपको पानी के लिए कॉल करना पड़ेगा कि पानी ख़त्म हो गया है। और कभी कभी तो ऐसा दिन आता है कि फिर हमको फिर बाहर से पानी मंगवाना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि मतलब एक पैकेज के हिसाब से आपको 10 बोटल्स दे देते हैं। तो फिर मुझे वो बोतल हमारे पास 2 बोतल आते हैं, वो भी ख़त्म हो गया था। तो पानी की फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पर मैं फिर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा आज तो मैं कुछ और ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही दिल मेरा बहुत ही दिल कर रहा था कि सब बैठ के कुछ और ही बनाएं और मिलके खाएं। तो मैंने क्या सोचा, मैं आज गोलगप्पे बनाऊंगी, पानी पूरी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं पानी पूरी की तैयारी कर रही थी, और साथ में इसके साथ ये जो पैकेट वाला मसाला आता है, पता नहीं ये इसमें क्या क्या मसाला मिक्स होता है, मगर जब मैंने टेस्ट किया इसका मसाला थोड़ा सा चम्मच के साथ, तो इसमें मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा आपको जो टेस्ट आता है ना, वो आमचूर के पाउडर का होता है, और क्या होता है, काला नमक। और इतना ज़्यादा खट्टा नहीं था, फिर मैंने 2 लेमन इसमें डाल दिए। और उसके साथ मैं हरी चटनी भी बना रही थी, मतलब उसमें योगर्ट मैंने डाला था, थोड़ा सा दही मैंने डाल दिया, ताकि थोड़ा सा वो दही वाला भी आ जाए इसमें टेस्ट, और सब मतलब मिक्स वाला टेस्ट आ जाए इसमें। तो मैं यहाँ ये वाली चटनी बना रही थी, इसमें मैंने पुदीना, धनिया, काली मिर्च, नमक, काला नमक और 1 लेमन ही डाला था मैंने। और उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके फिर मैंने ग्राइंड कर दिया, और इतनी अच्छी चटनी बनी यहाँ इसमें से, मतलब ग्रीन वाली भी। अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारा घर का काम किया है, तो मेरी ऐसे सांस फूल रही है, आपको भी पता लग जाएगा कि मेरी सांस क्यों फूल रही है, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो एडिट करती हूँ या वॉइस ओवर करती हूँ, तो मैं उससे पहले अपने काम जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी देखिए, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, चूल्हे मैंने पहले से उबाल दिए थे, और फिर भाई को बोला कि आ जाए आप कुछ यहाँ पर मेरी हेल्प कर दे और गोलगप्पे बनाए। तो वो ये गोलगप्पे बना रहे थे, मतलब सिर्फ इसको फ्राई करना था, और बाकी सारा काम तो मैंने कर दिया था पहले से ही। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मेरे हस्बैंड ने वो उसकी तबीयत ख़राब थी, तो वो लेटे हुए थे, तो मैंने फिर कुछ भी नहीं बोला। तो यहाँ पर जी हमारे गोलगप्पे भी हो गए थे तैयार, और एक थाली मैंने रखी, मैं सोच रही थी कि अपने कुछ पड़ोस में भी दे दूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कोई अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर करे, खाने वाली जो हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है, और इंसान का दिल ही खुश हो जाता है। और यहाँ पर हमारे भी गोलगप्पे तैयार हो गए थे, फिर मैंने प्लास्टिक बिछाया यहाँ पे टेबल पे, फिर ताकि गंदा ना हो जाए, और ये मसाले सब बनाए थे। मगर क्या हुआ कि मेरे जो भाई थे वो फिर चले गए, और हम दोनों ही रह गए। फिर मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो हमने गोलगप्पे खाए, पर इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा। ये मीठी चटनी, हरी चटनी और ये तीखी वाली चटनी बनाई थी हमने, इतना मज़ा आया ना कि बस मैं तो जितना भी खाऊँ ना मुझे कम लगती।
मगर फिर क्या है कि ना कि यहाँ पर हम मेरी ज़ुबान ऐसे पक जाती है क्योंकि पता नहीं इसमें क्या होता है, ये गोलगप्पों से आपकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाती है, और ख़ासकर मेरी तो बस इंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर लियो शेडो भी लेट रहे थे, मतलब यहाँ पर हमारे साथ आ रहे थे, मगर मैंने इसको इसको इन दोनों को भगा दिया, कहीं तुम लोग इसमें मुंह ना मारो अपना, फिर तुम लोग को पता चल जाएगा भाई। तो ये था जी हमारा ये गोलगप्पा।